कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई, तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है, और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिस पे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। आप याद करो कितने जुल्म हुए, और अगर कोई लड़ रहा था, लड़ना चाहता विपक्ष को, जो मुख्य विपक्ष है, आप बताओ और अपने मन से बताना, क्या भीम आर्मी हनुमान जी बेनीवाल की टीम के अलावा कोई लड़ रहा था क्या? आप बताओ। हर 5 साल बाद आप वोट देते हो, कभी इनसे पिटके इनको वोट देते हो, कभी इनसे पिटके इनको वोट देते हो। ए मेरे लोगो, वोट का अधिकार शक्ति का अधिकार है, शक्ति का स्रोत है। आपकी जो समस्याएं हैं, मैं ऐलान करके कह रहा हूं बिना अपने भाई से पूछे, आपकी जो समस्या आज आप लिख के दे जाओ। दोनों खेल खेल रहे हैं कि कैसे आपका बेकूफ बना, कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे। ये एकता बन गई है, इसको रोकने के लिए षड्यंत्र होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता। रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप। दोनों लड़ाके हैं, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिन हुए आपको लोगों को बनाते हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी बेनीवाल को दे दूं या ना दे दूं, बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से आवाज जानी चाहिए। वहां सचिवालय में जो सेक्रेटरी बैठे, अंडर सेक्रेटरी बैठे, उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिश करने से पहले याद रखना, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप लोग याद रखना। मैं मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये कहूं कि आए इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल है, बताओ, क्या आप इस पर सहमत है? तो दोनों हाथ उठा के स्वागत और समर्थन करो। 3 तारीख का दिन होगा और मेरा जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के दिन जब रिजल्ट आएंगे, जय भीम, और राजस्थान की महान जनता को मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं इसलिए आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है। आप जानते हैं मैंने कभी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज एक समस्या ये है कि जैसे आप प्यार करने वाले लोग यहाँ हो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी सभा बुला रखी। उनकी सभा 11 बजे की थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे निवेदन करके कहा कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा, आ जाऊँगा। तो मैं जो चंद बातें आपसे कहूँगा, आप उनको सुन लेना, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ कि जब तक मैं इस किसान कमेरी कौम को कुर्सी पे बैठने की ताकत यहां राजस्थान में हम लोग मिलकर दोनों भाई नहीं देते, तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। ये बात याद। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष और एक एक हमारे कार्यकर्ता प्रत्याशी, और आज इस सभा के दूल्हे के रूप में जो यहां मौजूद हैं, वो जो राजस्थान की जान शान है, जिसको दूर से मैंने लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए, और लड़ने का हौसला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी कभी। मैंने तो ये जिम्मेदारी ली है कि मैं इनको रोकता रहूंगा। अगर ये अब कभी भी लड़ेंगे तो ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये फैसला करके हम इकट्ठे हुए हैं। भाई हनुमान जी बेनीवाल, आपका धन्यवाद, आपने इस रैली में हमें आमंत्रित किया। बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी ताकत यहां दिखाई। सम्मानित साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, और जिनको मैं नेता मानता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम कमजोर कमेरों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया, उनके उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं और ये जब बैठे, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी, 2 घंटे में हमने अगर कोई बात की थी तो वो राजनीतिक नहीं थी,
पूरे दो घंटे में एक ही बात हुई कि राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, यहां की बहनें, माएं, बच्चियां, यहां के बच्चे, यहां के बुजुर्ग, इनका भविष्य राजस्थान में कैसे संवरे, इनके भविष्य में चार चांद कैसे लगे। जो उम्मीदें लोकतंत्र में बनाई गई थी वो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में कैसे स्थापित हों। मेरे आज भी याद है, देश गुलाम था और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटू राम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिनको हाशिए पर रखा गया व्यवस्था में उनको कैसे तरक्की दी जाए। देश राजे रजवाड़ों के हाथ में था और देश में राजतंत्र था, राजा महाराजा जैसे चाहते थे वैसे देश की जनता प्रजा शासित होती थी, ना हक थे ना अधिकार। जो राजा ने कह दिया, राजा ने कहा दिन तो प्रजा ने कहा दिन, राजा ने कहा रात तो प्रजा ने मान लिया रात, और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया कि देश में लोकतंत्र आया। देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी, एक तरफ बड़े बड़े महल और एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, दूसरी तरफ सामाजिक आधार पर गैर बराबरी थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। मैंने चौधरी कुंभाराम आर्य के आंदोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेतृत्व किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। असल लड़ाई ये थी कि लोकतंत्र तो आया था लेकिन पैसे वाले लोगों ने तय किया कि वोट इनके पास चला गया है। वोट को रोकने के लिए भी षड्यंत्र हुए, कोई कहता वोट उसको मिलेगा जो पैसा वाला है, कोई कहता उसको वोट का अधिकार मिले जिसके पास जमीन जायदाद है, कोई कहता उसको मिले जिसके पास व्यापार है। हमारे नेता लड़ रहे थे कि लोकतंत्र लोकतंत्र तब होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सरकार चुनने का अधिकार मिलेगा। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा चंद लोग चुनके तय कर दें, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे चाहेगी, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मेहनत कसकोम का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तमाम साजिशों के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया तो लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है माननीय काशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं, ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी में बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए, हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवा को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं, आज हमने एकजुट बना, एक गठजोड़ बनाया गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होके रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते हैं, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान का मेरी कौम से आता हूं तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया, पुलिस में और फोर्स में जाते थे भर्तियां बंद है, और जो भर्तियां होती है पेपर लीक होता है, सामूहिक बस में बैठ के बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है, और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिस पे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, और 90 लाख नया वोटर, और हम गली गली जाएंगे। आज भले ही मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा। मैं आपकी गली गली ढाणी ढाणी आऊंगा आपको जगाने के लिए, और आपसे निवेदन करूंगा मेरे लोगों, अगर चाहते हो कि नासिर जुनैद के साथ जो हुआ, असगर के साथ जो हुआ, एसआई मीना जी के साथ जो हुआ, अगर चाहते हो इस सरकार को, पीसी सरकार को देखो, जो आपसे कहेंगे कि बीजेपी के नाम पे हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएगी। आप याद करो, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, तुलाराम गुजर, बहन तुलाराम गुजर, आप याद करो कितने जुल्म हुए। और अगर कोई लड़ रहा था, लड़ना चाहिए था विपक्ष को, जो मुख्य विपक्ष है, आप बताओ और अपने मन से बताना, क्या भीम आर्मी हनुमान जी बेनीवाल की टीम के अलावा कोई लड़ रहा था क्या? आप बताओ, क्यों नहीं लड़ रहा था? क्या हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने लोकतंत्र आने के बाद अपनी शक्ति को नहीं समझा। आपने लोकतंत्र आने के बाद इन लोगों पर भरोसा किया। हर 5 साल बाद आप वोट देते हो, कभी इनसे पिटके इनको वोट देते हो, कभी इनसे पिटके इनको वोट देते हो। ए मेरे लोगों, वोट का अधिकार शक्ति का अधिकार है, शक्ति का सूत्र है। आपकी जो समस्याएं हैं, मैं ऐलान करके कह रहा हूं बिना अपने भाई से पूछे, आपकी जो समस्या आज आप लिख के दे जाओ। मैं पूरे राजस्थान के वासियों से कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं को लिख के दे जाओ। ये तुमसे झूठे मैनोफेस्टो लेके आते हैं, रोजी रोटी के लिए वोट नहीं है। रोजी रोटी तो मेहनत कष्टों में कमा के खाई लेते हैं। हमने तो वो भी दिन देखे कि बहुत सारे लोग, मैं राजस्थान की बात करूं तो ये मेरी बात जान लो, आपकी जो समस्या उनको लिख के दे जाओ, उसी का मैनोफेस्टो बना देंगे और 6 महीने में एक आपकी मांग पूरी करके दिखा देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये राजस्थान है, इतने सरकारें बनी, क्या पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था कराई तुम्हारे लिए? ईआरसीपी का से आपको लाभ मिलता, 13 जिलों को मिला के आपको लाभ, दोनों खेल खेल रहे हैं कि कैसे आपका बेवकूफ बना। कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे? ये एकता बन गई है, इसको रोकने के लिए षड्यंत्र होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता। रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप, जितनी ताकत में आज आप यहां आए हो। आज से लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। आज के बाद आपको करना यह है कि आपको गांव गांव जाना है, इस एकता का बिगुल बजाना है, अपनी एकता की ताकत दिखाना है, और अपने कमजोर भाइयों के हाथ पकड़ के उनको यह विश्वास दिलाना है कि बहुत हुआ, बहुत दिन अलग अलग रहे, अलग अलग होके सताए जाते रहे, अब समय बदल गया है, ऊपर वालों ने हाथ मिला लिया है तो नीचे वाले भी हाथ मिला के एकता बना लें। और फिर मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा सूरज निकलेगा, समय कम ना होता तो मैं आपको बहुत कुछ सुनाता, मगर मैं आपको वादे के तौर पर कह रहा हूं, मैं 1 लाख लोगों में भी वही बात कहता हूं और 10 लोगों में भी वही बात कहता हूं, वोट का अधिकार आपकी तरक्की तय करेगा। अगर आप चाहते हो कि नौजवान ठगे जाएं, पेपर लीक हो, भर्तियों में घोटाले हो, महिला असुरक्षित हो, ये महिलाएं नहीं है, ये हमारे घर का सम्मान है, ये हमारी बहन बेटियां हैं, हम तो किसान कमेरों के औलादे, हम जानते हैं, हमने सीखा है देश के बॉर्डर पे देश की रक्षा करना और घर गांव क्षेत्र में अपनी बहनों के मान सम्मान की रक्षा करना। लेकिन आपने देखा किस तरह से जुल्म जाति बढ़ रही है, उसको बढ़ने का एकमात्र कारण है कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं, और कोई नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। जो स्थापित लोग हैं वो नहीं चाहते, जनता चाहती है परिवर्तन हो, और जनता ये चाहती है कि कोई किसान का बेटा, कोई मेहनत करने वाला बेटा यहां जयपुर की कुर्सी पे बैठे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर की कुर्सी पे अगर आपके बीच का व्यक्ति बैठेगा तो क्या आपको किसी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आप खुद ही सोचो, जिसने बिना पावर के आपके लिए इतने लड़ाई लड़ी हो, अगर उसके हाथ में राजनीतिक ताकत होगी तो क्या होगा? वो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको बांटने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा नहीं, जब से मोर्चे की शुरुआत हुई, कहीं की तो लिस्टें बदल गई हैं, कहीं की लिस्टों पर रिव्यू चल रहा है, कहीं घोषणाएं गारंटी दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकारें थी उनको गारंटी क्या जरूरत है? कर देते ना। अगर आप नहीं कर सकते, ये मौका दे के देखो हमारे भाई को, फिर आप बताना आपका 5 साल का काम और 6 महीने में जो करेंगे, इतिहास याद रखेगा कि किसी बहादुर ने ताकत संभाली है। इसको, इस बहादुरी को आगे बढ़ाओ, गांव गांव गली गली जाके इस एकता को बनाओ। ये नीला और पीला एकजुट होके आगे बढ़े, एक और षड्यंत्र होगा। मैं अपने सीनियर लोगों को कहना चाहता हूं, मीडिया के लोगों ने कहा, इसलिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का और अपने साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा। वो कहते हैं दलित और जाट का गठबंधन हुआ, झूठ। दलित और जाट तो इसके पिलर हैं, वो तो अपने कंधे में बिठा के इस प्रदेश की सत्ता तक हनुमान जी बेनीवाल को लाने वाले हैं, वो तो इसके पिलर हैं। लेकिन ये असल गठबंधन हर पीड़ित का है, कमजोर का है,
ये झूठी बातें मत करो बांटने वाली, ये किसान का मेरे का उस सोच का गठबंधन है जिस सोच से परिवर्तन होगा। अगर ना आता लोकतंत्र, ना होते अवसर, आपकी गलियों में कोई नहीं आता मेरे लोगों, आपसे बात कोई नहीं करता, ये वोट का अधिकार है जो आपके पास लोगों को खींच के लाता। इस बार दूरी कर दो उनसे जो आपके अधिकारों से दूरी जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बचाएगा कौन? ये जो नीले झंडे वाले हैं, ये जो किसान कमेरों के बेटे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो ये स्थापित दल तो यही है, क्यों खतरे में आया? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब की जिंदगी में उजाला कैसे आएगा। अगर वास्तविकता में चाहते हो, ये आज के ये सिर्फ विधानसभा का अलायंस नहीं है, हमने तय किया है कि उत्तर भारत में हम इस अलायंस को लेके जाएंगे। और इसका प्रशिक्षण बताता हूं, मीडिया के लोग एनालिसिस कर लेना, उत्तर प्रदेश के खतौली में एक सीट पड़ती है जो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई, 3 बार से, और वो कहते हैं हमारी घर की सीट है, और मीडिया ने भी कहा इसको हरा नहीं सकते। जब हमने वहां किसान कमेरों का गठजोड़ बनाया तो 22,500 से हरा के भेजा भारतीय जनता पार्टी को, 22,500 से, क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम ये भी जानते हैं कि किसको कैसे तैयार करना है। मैं मानता हूं कि हम दोनों की ताकतें एक जैसी है, दोनों भाइयों की। कहते हैं संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। मैं इनको रोकता रहूंगा सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई किसी साजिश के शिकार ना हो जाए। ये आदमी मन से बड़ा सच्चा है, गुस्सा इसलिए करता है, क्रिकेट अगर देखोगे तो समझ आएगा, जो ऑलराउंडर होता है ना, वो सारी पिच पे घूमता फिरता है कि कहीं से टीम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अपने लोगों को डांटता है, और मन से डांटता है, प्यार करता है, वैसे नहीं डांटता। और अब तो आपकी टीम पे दो दो ऑलराउंडर है आपकी टीम पे, और दोनों लड़ाके हैं, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिन हुए आपको लोगों को बनाते हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी बेनीवाल को दे दूं या ना दे दूं, बताओ? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से आवाज जानी चाहिए, वहां सचिवालय में जो सेक्रेटरी बैठे, अंडर सेक्रेटरी बैठे, उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिश करने से पहले याद रखना कि एक ऐसा विकल्प बन रहा है जो राजस्थान की तकदीर तो बदलेगा, लेकिन राजस्थान की तकदीर और राजस्थान के नौजवानों के सपने कुचलने वालों को भी सबक सिखाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपकी सब हर रैली में आऊंगा, खूब मेहनत करेंगे, और जो भी पीड़ित है, शोषित है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और असल मजा तब आएगा जब राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में आएगी, फिर ना कोई पेपर लीक होगा। मैं तो पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूं, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, जब वो बीमार हुए मैं बहुत सारे अस्पतालों में लेके उनको घूमा, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पिता को बचा लेता यार। इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, ना ही उनकी जिंदगी किसी को परवाह। और फिर मैंने तय किया कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा संघर्ष करके अपने साथियों के साथ कि किसी और के पिता को, किसी की बहन को, माँ को इलाज, अच्छा इलाज ना मिलने कारण मरने ना दूं। मैं बहुत कुछ सह के देख के आया। जब मैं ये लड़ाई लड़ने गया तो मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया, 16 महीने में जेल में रहा। एक एक रात मैंने इस उम्मीद के साथ काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा काम करने का तो फिर मैं जो मेरे दिल में दर्द है उसको करके दिखाऊंगा, और ये लड़ाई चलती रहेगी। आज तो शुरुआत हुई है, आने वाला कल सुनहरा होगा। मेरे इस बात को आप वो कर लो, गिठा बांध लो कि ये प्राकृतिक गठबंधन राजस्थान के भविष्य का फैसला करेगा, लेकिन इसको धार तब मिलेगी जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। क्या आप अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप इस एकता को गांव में जाने के लिए तैयार हो? आज तो मीडिया के लोग बड़ा वो आपका प्रचार करेंगे, लेकिन रोज नहीं करेंगे। क्या आप अपनी पार्टियों के, अपने अलायंस का प्रचार करने के लिए तैयार हो? क्या आप गली गली जाके लोगों को सिखाने समझाने के लिए तैयार हो? देखो, जब राजतंत्र था तलवारों से फैसले होते थे, अब लोकतंत्र है आपको अंगूठा अपने अलायंस के पक्ष में दबाने के लिए तैयार करना। और एक बार ये कलम की ताकत देके देखो बस, फिर देखना कि किस तरह आपके भविष्य के फैसले आपके पक्ष में होते हैं। तो मैंने आपसे कहा अपनी समस्याओं का एक एफिडेविट बना के दे जाना, उस एफिडेविट को 6 महीने में पूरा कराएंगे अगर आपने जिम्मेदारी से काम किया, ये मेरा आपसे वादा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। फिर मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूं, शोषण उसका होगा जो कमजोर होगा, और जो राजनीतिक रूप से कमजोर होगा वो सताया जाता रहेगा। आप तय कर लो,
कि आप इस प्रदेश में सताए जाने वाले की श्रेणी में रहोगे या आप इस प्रदेश में तरक्की करने वालों की श्रेणी में रहोगे, फैसला आपको करना है। ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप लोग याद रखें। मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारे नेता यहां कुर्सी पर बैठ जाएंगे मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये कहूं कि आए इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल है? बताओ, क्या आप इस पर सहमत है? तो दोनों हाथ उठा के स्वागत और समर्थन करो। 3 तारीख का दिन होगा और मेरा जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के दिन जब रिजल्ट आएंगे तो आज जो आपके दिलों में जो ताकत बन रही है, ये ताकत वोट में बदल देना। तो 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना। हमारे हरियाणा के एक नेता कहा करते थे कि वारे नारे ना कर दिए तब फिर बताना, तो वारे नारे ही कर दिए जाएंगे किसानों के, अमीरों के, नौजवानों के और जो कर्मचारियों की समस्या है। पिछली बार छूट गई थी, इस बार नहीं छूटेगी। जो हमारे सीएचए के भाई हैं उनसे भी कहूंगा, आपके लिए 4 दिन हम लोग जेल में रहे थे लेकिन वो अवसर नहीं था कि आपकी मांगे पूरी कर दे, हम आपकी मांगों के साथ खड़े हैं, आपकी मांगे पूरे करेंगे। जो तृतीय श्रेणी के टीचर हैं, आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं कि आपके ट्रांसफर की व्यवस्था हो जाए, आपके ट्रांसफर की व्यवस्था भी करेंगे, हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। बस वो ताकत दो जिससे लड़ाई पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आप सभी के लिए को बहुत बहुत बधाई और आपके गठबंधन को बधाई। हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसी की बातों में मत आना, बहुत आएंगे बहरूपिये धोखा देने के लिए। लक्ष्य रखो मौके के लिए, मौका आपके हाथ में है। कुछ दिन की बात है, अब जब सभा होगी रिजल्ट के बाद तो वो वहीं होगी जहां से तरक्की के फैसले होते, जहां से प्रदेश के फैसले होते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब का। जिस तरह का संकल्प आपने मंच के माध्यम से दोहराया, ये केतली और बोतल दोनों आपके सामने है। केतली से बोतल में डालो चाहे बोतल से केतली में डालो, बात एक ही है। और ये बात हमें 25 तारीख को राजस्थान की जनता के सामने साबित भी करनी है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि बहुत आएंगे बहकाने वाले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा संकल्प एक ही काफी है। हमारे दोनों नेता सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल और सम्मान्य चंद्रशेखर जी आजाद राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में मिलकर के आने वाले समय में राजस्थान की सूरत और सिरत बदलने का काम करेंगे, राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। अब चूंकि चंद्रशेखर जी को पधारना है, आगे बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन रहेगा आप सभी यहीं बने रहें, एक भी साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर जी आजाद को विदा दें, एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें विदा दें, अलविदा दें। और आज के बाद से, आज का कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले समय में सारे कार्यक्रम आपके राजस्थान में होंगे। इस तरह का संकल्प आप मंच के माध्यम से दोहरा करके